नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूं रिलायंस कैपिटल के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, आप हमें फॉलो ज़रूर करिए और हम आपको उस चैनल पर बताएंगे कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे मार्केट में सीखना है और लॉन्ग टर्म में कैसा मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए और ट्रेडिंग की भी बातें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप फॉलो ज़रूर करिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए बात कर लेता हूँ रिलायंस कैपिटल के बारे में। तो दोस्तों, रिलायंस कैपिटल कंपनी में लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी, जो खास करके रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिट चुके होते हैं। तो जो मेन कारण होता है कि रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में अट्रैक्ट होता है, उसका कारण होता है इसका प्राइस। तो देख सकते हो आप, करंट प्राइस की बात करूं तो 35.10 पे चल रहा है। इसी कारण से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो गए हैं अचानक से, क्योंकि ये सस्ते में मिल रहा है। बट सस्ते में मिल रहा है इसका मतलब सस्ता नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें महंगी होने के बावजूद भी सस्ती होती हैं और कई चीज़ें सस्ते होने के बावजूद भी महंगी होते हैं। अगर मैं बात करूँगा इसका मार्केट कैप की, तो 887.01 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। आप 52 वीक हाई की बात करूँ तो 471.05 है और लो की बात करूं तो 30.10 का इसने लो बनाया है। तो दोस्तों, इसका चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप चार्ट देख सकते हो कितना ज्यादा पिटा हुआ है ये स्टॉक, इसमें गिरावट ही गिरावट है। आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा चार्ट आप देख सकते हो, कहीं भी आपको कोई रिवाइवल नहीं मिलेगा, जंप ही जंप मिलेगा। एक छोटा सा रिवाइवल आपको मिलेगा और वो है लगभग 7-8 फेब को, जिसके बाद थोड़ा सा इसने थोड़ा सा जंप दिखाया, उसके बाद तो ये स्टॉक पिटा ही पिटा है दोस्तों। तो आपको ऐसे स्टॉक में होना नहीं चाहिए। तो आपको मैं बताऊं कि स्टॉक में प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप देख सकते हो, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक भी गिरा दिया है, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.96% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी भी गिरा है। आप लाइबिलिटीज़ की भी बात देख सकते हैं, लगभग 5,850 करोड़। तो दोस्तों, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स जो हैं 96.50% की जो होल्डिंग है उसको बेच दिया है, उसको गिरवी रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप ऐसे स्टॉक में अपना निवेश कैसे कर सकते हो जिसके प्रमोटर्स ने लगभग 97% बोल सकते हो कि 97% के जो स्टेक्स हैं उनको गिरवी पे रख दिया हो। तो ऐसे स्टॉक में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसका ट्रेड देखते हैं आज का ट्रेड कैसा है। तो चलिए इसका ट्रेड देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं NSE की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और इसका ट्रेड देखेंगे, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 2017 में ये स्टॉक लगभग 856 रुपये पे भी था। तो आज देख सकते हो इसकी स्टॉक की कितनी पिटाई हो चुकी है। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिए। तो दोस्तों, इसकी अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो 35.10 का है, ओपनिंग इसने जो की है वो लगभग 35.00 पे की है, हाई इसने बनाया 35.70 का, लो इसने बनाया 4.50 रुपए का। ट्रेडेड वॉल्यूम आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है, 1,73,27,134 शेयर जो ट्रेड हुए हैं। उसके बाद डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करूं तो 15% आप बोल सकते हो, 19,58,983 शेयर्स जो हैं वो डिलीवरी पे उठाए गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक कौन सा इंसान है या कौन लोग हैं जिन्होंने डिलीवरी उठाई है। तो बट मैं आपको एक ही चीज़ रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए। अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों, आप येस बैंक में कर लीजिए। येस बैंक इससे 50 गुना अच्छा है, क्योंकि उस स्टॉक में रिकवरी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बट ऐसे स्टॉक में रिकवरी आने के चांसेस बहुत कम है, लगभग 5 से 8% चांसेस हैं कि ये स्टॉक रिकवर करेगा। ऐसे स्टॉक में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप इस स्टॉक से दूर रहिए। पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है कि ये रिकवरी करेगा, बट पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक से फ़िलहाल आप दूर रहिए, ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, बात करता हूँ कि आपको
किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आप, आपके लिए ITC है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, और उसके बाद अशोक लेलैंड है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, ऐसे स्टॉक्स जो सस्ते मिल रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगा। अगर 30 रुपये का, 35 रुपये का स्टॉक मिल रहा है तो 35 रुपये का क्यों स्टॉक मिल रहा है, उसके भी कारण है, ऐसे नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे स्टॉक से ज़रूर दूर रहिए। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर करें।